केलकर सेवा समिति छतरपुर के तत्वावधान में पश्चिम बंगाल में कथित रूप से महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा है। महिलाओं ने भारत के गृह मंत्री के नाम ये ज्ञापन छतरपुर कलेक्टर को सौंपा, जिसमें छतरपुर जिले की सेविका समिति और विभिन्न संगठनों की महिलाएं मौजूद रहीं। इस मौके पर बताया गया कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ रहे हैं, ऐसे में वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ज्ञापन में कई लोग मौजूद रहे और यहाँ सब ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ज्ञापन देने के लिए माननीय गृह मंत्री जी को बंगाल में हो रही जो घटना है उसके खिलाफ। बंगाल में जो ममता बनर्जी का शासन चल रहा है, बिल्कुल अंध शासन चल रहा है। बोला जाए तो मतलब ये है कि वहाँ पे शरिया, कई जगह शरिया अदालत के हिसाब से फैसले लिए जा रहे हैं। जैसे अभी की घटनाएं आप देखिए, जो दिनराजपुर में घटना हुई है वो शरिया के हिसाब से उन्होंने उसका उनके खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया और बीच चौराहे पे एक महिला की एक पुरुष की बांस के डंडे के द्वारा पिटाई की गई है। वहीं पे एक दूसरी जगह एक महिला को निर्वस्त्र करके लगभग 1 किलोमीटर तक घसीटा गया है इन्हीं TMC कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो हमारी माननीय गृह मंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी से यही हमारा निवेदन है कि जितनी जल्दी हो कृपया बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा जाए। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर पश्चिम बंगाल में जो इतने लगातार अत्याचार हो रहे हैं, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी उसके विरोध में हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है माननीय गृह मंत्री जी को, राष्ट्रपति महोदय। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी ये मांगे हैं कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं ये नहीं होने चाहिए, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे कि महिलाओं के ऊपर इतने ज़्यादा अत्याचार होंगे। जहाँ महिला मुख्यमंत्री है वहाँ पर